सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी आई है वो स्वागत के योग्य है। इस फाइल के बारे में उन्होंने कहा है कि नहर का निर्माण हो वरना वो सख्त रवैया अपनाएंगे। मैं समझता हूँ कि हरियाणा के किसान इसका बहुत ज़ोरदार ढंग से स्वागत कर रहे हैं और ये नहर दशकों से लंबित है। बहुत बार ट्रिब्यूनल बने, बहुत बार आदेश आए और स्पष्ट तौर पर हरियाणा का हक जो है वो सभी संस्थाओं ने स्थापित कर दिया है। और अब उम्मीद है कि अगले बार की हियरिंग में माननीय उच्चतम न्यायालय सख्त फैसला दे दे और साफ कहे कि इस नहर का निर्माण फला फला एजेंसी शुरू करे और उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी निर्धारित एजेंसी इसकी सुपरवाइज करे, तभी ये नहर बन सकती है। पानी का जहाँ तक मामला है, कम ज़्यादा हो उसका फैसला कभी भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित में यह है कि भाखड़ा नहर जो है इसकी उम्र हो चुकी है, इसके पैरेलल जो है नहर बनाना बहुत आवश्यक है। इसकी खुदा न खास्ता कभी इसमें दरार आ गई तो पीने के पानी का संकट भी आ सकता है। पिछले दिनों जो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में ये मुद्दा आया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी प्रेजाइड कर रहे थे, तब भी पंजाब का रवैया जो है असहयोग का था। और मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक संपदाएं, चाहे पानी हो या कोई और ऐसी चीज़ें हों, वो राष्ट्र की धरोहर हैं, राष्ट्र की संपत्ति हैं, सबका उसमें हक है। और हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, इसका हक नहीं मारना चाहिए। हरियाणा की प्यासी धरती दशकों से इंतजार कर रही है कि उसके किसान को एसवाईएल का पानी मिले। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, क्योंकि हरियाणा की जनता एसवाईएल का पानी लेने के लिए सालों से इंतज़ार कर रही है, खेतों को इंतज़ार है, लोगों को इंतज़ार है, और पंजाब अपनी हठ धर्मता छोड़ नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि जिस भाषा से आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने पंजाब को कहा है, इसका रास्ता प्रशस्त होगा और एसवाईएल जल्दी बनकर तैयार होगा। केंद्र सरकार को भी कहा है कि तुरंत इंटरफेयर किया जाए इसके अंदर और जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। देखिए, बातचीत का रास्ता तो सदा खुला ही रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकारों द्वारा इससे पहले भी कई प्रयास किए जा चुके और पंजाब मानता ही नहीं। जब मानता नहीं तो फिर क्या हल है? फिर तो सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगी। देखिए, अब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के जेरे को हो रहा है। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री, ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे ना, आप पब्लिक में कहना, मीडिया के सामने कहना अलग बात है, वहाँ जाके कहे ना तो इनको मकूल जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भिन्न भिन्न राज्य अपना भिन्न भिन्न तरीके से संविधान पर कार्य करें। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए उच्चतम न्यायालय माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और हरियाणा को दोनों के पक्ष सुने। हम भी अपना पक्ष रखेंगे, पंजाब भी अपना पक्ष रखे, पक्ष रखने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने हठ धर्मता नहीं चल सकती। देखिए, अब जो मामला है वो अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। मैंने सारा जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पढ़ा, उसकी लैंग्वेज को, उसकी लैंग्वेज की शार्पनेस को मैंने जाना है और सुप्रीम कोर्ट अब वांट्स वर्क।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।